दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा अर्न करने वाली फिल्मों की बात करें तो टॉप 10 की लिस्ट में आधी से ज्यादा फिल्में सुपर हीरोज के कॉन्सेप्ट पर ही बनाई गई है। लेकिन देखो अगर इंडिया की बात करें तो इस लिस्ट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्म बाहुबली 641वें नंबर पर आती है। अब मार्वल और डीसी की सबसे खराब फिल्में भी इसी लिस्ट में बाहुबली से काफी ऊपर है। मगर ऐसा क्यों, जबकि हमारे कल्चर की लगभग हर कहानी में सुपर हीरोज तो इन्वॉल्व होते ही हैं। और अगर हम अपनी ही कहानियों को पर्दे पर दिखाना शुरू करें तो शायद सबसे ज्यादा सुपर हीरो इंडिया से ही निकलेंगे। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। अब देखो एक प्रॉब्लम तो एग्जीक्यूशन है जिसे समय के साथ सुलझाया जा रहा है। और आज हम आगे यही जानेंगे कि कौन से है वो सुपर हीरो जो कि इस एग्जीक्यूशन को सफल बना रहे हैं और आखिर क्या किया जा सकता है इंडियन सुपर हीरोज को दुनिया के नक्शे पर दिखाने के लिए। अब अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे हमने बीते कुछ दशकों में अपनी सुपर हीरो कहानियों की तरफ दुनिया को अट्रैक्ट किया है तो बस बने रहो वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इंद्रजाल कॉमिक्स से, जिनकी स्टार्टिंग 1960s के दशक से हुई थी। अब देखो उस दशक में कई सारी कॉमिक्स की शुरुआत हुई थी जिनमें हम आगे जाकर अमर चित्र कथा के बारे में भी जानेंगे, लेकिन जब बात सबसे पहले कॉमिक्स की आती है तो वो इंद्रजाल कॉमिक्स ही है। अब दोस्तों इंद्रजाल कॉमिक्स के आने से पहले हमारी कहानियां लीनियर हुआ करती थी और मैं बहुत कुछ पढ़ने वाले की इमेजिनेशन के ऊपर छोड़ दिया जाता था। मगर फिर कॉमिक्स के इस फॉर्मेट को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। अब इंद्रजाल कॉमिक्स के शुरुआती कैरेक्टर्स फैंटम, मैंड्रेक द मैजिशियन और फ्लैश गॉर्डन थे। पर जल्दी ही इसके राइटर्स को ये समझ आ गया कि अगर इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट करना है तो इंडियन सुपर हीरोज को लाना पड़ेगा, और बाद में इन्हें लाया भी गया। अब शायद ही आपको मालूम होगा कि इन कॉमिक्स ने भारत को कुछ ऐसे सुपर हीरो दिए हैं जिन पर अगर आज भी कोई फिल्म या फिर OTT कंटेंट बन जाए ना तो वो डेफिनेटली हिट हो जाएगा। नागराज, डोगा और बहादुर जैसे बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो 90s के बच्चों को आज भी याद है। तकरीबन 800 के लगभग कॉमिक्स को पब्लिश करने के बाद साल 1990 में इंद्रजाल कॉमिक्स को बंद करना पड़ गया था। मगर देखो इंद्रजाल कॉमिक्स ने एक चिंगारी को जन्म दिया था और उन्होंने भारत में एक नए पाठकों की रेंज को खड़ा कर दिया था जो कि अब और कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे और कैसा हो अगर इन कॉमिक्स के जरिए उन्हें अपनी ही कहानियां सुनने को मिल जाए तो। वेल, ये किया अमर चित्र कथा ने। साल था 1967 और इंद्रजाल कॉमिक्स को शुरू हुए एक लंबा समय हो चुका था। अब जैसा कि आपको पता ही है अपने शुरुआती सालों में इंद्रजाल कुछ अलग तरह की कहानियां सुना रहा था जो कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं थी। अब देखो कॉमिक का मीडियम इंटरेस्टिंग तो था ही, पर अगर उनमें अपनी ही कहानियों को परोसा जाए तो जायका और भी बढ़ सकता था। अब इसी सोच पर अमर चित्र कथा नाम के पब्लिकेशन को शुरू किया गया। अब दोस्तों अमर चित्र कथा की पहली कॉमिक का टाइटल था कृष्णा और उन्होंने वहीं से अपने रिद्म को इस तरह से सेट कर दिया था कि उनकी आने वाली हर कॉमिक जनता को पसंद आ ही रही थी। अब इसके बाद उन्होंने पांडव प्रिंस, शकुंतला, सावित्री, राम, पृथ्वीराज चौहान जैसे कई कहानियों पर कॉमिक्स बनाए और उसे जनता के द्वारा हाथों हाथ ले लिया गया। अमर चित्र कथा के पास एक प्लस पॉइंट ये भी था कि वो कल्चर पर आधारित थी और कहीं ना कहीं देशभक्ति और संस्कारों को ही प्रमोट कर रही थी। और देखो जिस वजह से उन्हें पेरेंट्स खुद खरीद कर अपने बच्चों को दिया करते थे, जबकि इंद्रजाल के पास ये लाइबर्टी नहीं थी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमर चित्र कथा की इस पॉपुलैरिटी को देखकर इंद्रजाल ने भी कई कल्चरल कहानियों को कॉमिक्स में उतारा था जिसमें महाभारत उनकी एक हिट क्रिएशन है। अब इन दोनों के बीच चलता हुआ कॉम्पिटिशन इंडियन ऑडियंस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा था और सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी इन कॉमिक्स को पढ़ा जा रहा था। हालांकि देखो ये 40 साल पहले शुरू की गई मार्वल कॉमिक्स को टक्कर तो नहीं दे सकते थे, लेकिन ये खुद का अपना एक न्यू ऑडियंस बेस बना रहे थे जो कि कल्चरल स्टोरीज और रीजनल स्टोरीज को कॉमिक्स के जरिए विजुअलाइज करना चाहता था। अब इंडिया में कॉमिक्स की इतनी सेल को देखते हुए फॉरेन कॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी इंडिया को एक मार्केट की तरह देखना शुरू कर दिया। अमर चित्र कथा और इंद्रजाल के बाद डायमंड और राज कॉमिक्स जैसे कई कॉमिक्स शुरू हो चुकी थी जिस कारण पीटर पार्कर को पवित्र प्रभाकर बनाकर भी दूसरी कॉमिक्स को यहाँ उतनी सफलता नहीं मिलने वाली थी। हालांकि साल 1990s में टीवी का दौर आया और इंडियन सुपर हीरो कॉमिक्स से निकलकर टीवी पर आ गए थे और हमें मिला एक ऐसा सुपर हीरो जो कि आज भी लोगों द्वारा उतना ही पसंद किया जाता है। वेल जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ शक्तिमान की। अब दोस्तों साल 1990s का दशक और मोहल्ले में बस एक टीवी, बहुत सारे 90s के बच्चे सिचुएशन से रिलेट कर पाएंगे। अब मोहल्ले में मौजूद इस एक टीवी पर महाभारत, रामायण देखने के लिए तो भीड़ उमड़ती ही थी, लेकिन एक और शो था जो कि जनता के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा था और इसका नाम था
शक्तिमान। अब दोस्तों शक्तिमान को अगर इंडिया का पहला सुपर हीरो कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। दोहरी जिंदगी जीने वाला गंगाधर ही शक्तिमान है। ये बात गीता विश्वास को जानने में बहुत समय लगा, लेकिन शक्तिमान को प्ले करने वाले मुकेश खन्ना इस बात को जान चुके थे कि वो शक्तिमान के रूप में एक लेजेंडरी शो बना रहे हैं। अब दोस्तों 450 एपिसोड्स की ये सीरीज साल 2005 तक चली और इसने एक पूरी जनरेशन के बच्चों को अपना दीवाना बना दिया था। अब देखो इसको फॉरेन रिकॉग्निशन भी मिली थी और असल मायनों में ये कंप्लीट सुपर हीरो स्टोरी थी जिसमें हीरो, विलन, एक छुपाई गई आइडेंटिटी और ढेर सारी सुपर पावर्स मौजूद थी। अब दोस्तों शक्तिमान के बाद इंडियन सुपर हीरोज का स्टैंडर्ड ही उठ चुका था। खुद मुकेश खन्ना ने महायोद्धा नाम का एक सीरियल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अब मुझे याद है कि आप में से काफी सारे लोगों को मेरी ही तरह आर्यमान, ब्रह्मांड का महायोद्धा तो याद ही होगा, जो कि कभी टीवी पर आया करता था लेकिन अचानक से वो गायब हो गया। अब देखो उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि वो स्टार वॉर्स का एक सस्ता कॉपी है, लेकिन जो भी हो वो मुझे काफी ज्यादा पसंद था। अब इस तरह की कई और कोशिशें की गई लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये था कि कोशिश की जा रही थी और ड्रामा कंज्यूम करने वाली इंडियन ऑडियंस सुपर हीरो फिल्मों को प्यार देने लगी थी। 90s का सुपर हीरो अगर शक्तिमान था तो 2000 का सुपर हीरो क्रिश को कहा जा सकता है। अब देखो एलियन का आना और एक आम इंसान को पावर देना, फिर उसका मुसीबत में फंसना और उसके बेटे का क्रिश बनना, ये सारा पैटर्न इंडियन स्टोरीज में पहले से मौजूद था, जहां एक बेटा अपने पिता को बचाने के लिए मुश्किलों से लड़ रहा है। हालांकि इसे विजुअलाइज करके हायर VFX के साथ एक टेक्नोलॉजी वाला सुपर हीरो बनाने का काम क्रिश मूवी में किया गया और इसी कारण अब तक इस ट्रायोलॉजी को लोगों ने काफी पसंद किया है और यही माना जाता है कि ये फिल्म उस टाइम की बेस्ट सुपर हीरो फिल्म है। अब शायद ही आप जानते होंगे कि क्रिश ने बॉलीवुड में कई सुपर हीरो मूवीज को इंस्पायर किया है। अब उनमें से कुछ बुरी तरह से फेल हुई, जैसे कि फ्लाइंग जेट, और कुछ अंडररेटेड कर दी गई, जैसे कि भावेश जोशी। हमारे शरीर में अलग अलग एलिमेंट्स के चक्र मौजूद होते हैं और अगर ये चक्र ढंग से काम करे तो एक ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन जाता है। चक्र नाम की इस फिल्म में यही दर्शाया गया है। अब साल 2011 में रिलीज हुई ये फिल्म इंडियन एनिमेशन में एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुई थी। अब देखो जापान और अमेरिका के एनिमे फैमिली गाय और अमेरिकन डैड जैसे एनिमेशन से टक्कर लेने के लिए इंडिया को ऐसा कुछ तो चाहिए ही था। मौजूदा समय में इसकी IMDb रेटिंग 8.5 है और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो आपको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। अब दोस्तों 90s की कॉमिक्स, उसके बाद शक्तिमान, फिर क्रिश, इंडियन सुपर हीरो का एवोल्यूशन पिछले 60 सालों में तो हुआ ही है, लेकिन इस दौरान हमने हमारी रूट्स को नहीं छोड़ा और इसका हमें कहीं ना कहीं फायदा भी मिला है, क्योंकि हमारी रूट्स ही हमारी कहानियों को जस्टिफाई करके उन्हें यूनिक बनाती है। ऐसी एक यूनिक कहानी है बाहुबली, जो कि एक इंडियन फिल्म से एक इंटरनेशनल फिल्म बन चुकी है। बाहुबली एक इंटरनेशनल वॉरियर है, ये एक सुपर हीरो फिल्म भले ही ना हो, लेकिन जिस एपिक ढंग से इसे बनाया गया है वो एक स्टेटमेंट है कि सुपर हीरोज का कॉन्सेप्ट भले ही कूल हो, लेकिन अगर लेजेंडरी स्टोरीज को पर्दे पर उतारा जाए तो वो सुपर हीरो से भी आगे निकल सकती है। हालांकि देखो इंडिया की फिल्म होने के कारण इसे रिलीज के टाइम पर उतना एक्सपोजर नहीं मिला और ये 641 नंबर पर है, लेकिन राजा मौली सर की ये क्रिएशन पूरी दुनिया में एंशिएंट इंडिया के ग्लिम्स को फैला रही है और ये मूवी इंडियन VFX में भी एक मेजर माइलस्टोन साबित हुई है। इतना ही नहीं, मिन्नाल मुरली और ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी से पता चल रहा है कि इंडिया में सुपर हीरोज का एवोल्यूशन अपने चरम सीमा पर है। अब अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जरा एक बार गूगल कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में हमें इंडियन सिनेमा के अंदर एक से बढ़कर एक सुपर हीरो मूवीज देखने को मिलने वाली है, जिनमें शक्तिमान ट्रायोलॉजी तो है ही, साथ ही साथ इसमें प्रशांत वर्मा डायरेक्टेड हनुमान और अधीरा और विकी कौशल स्टारर द इमॉर्टल अश्वत्थामा जैसी कई फिल्में शामिल है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह पिछले 60 सालों में भारत के सुपर हीरोज और उनके रिप्रेजेंटेशन में बदलाव हुए हैं। अब देखो यहाँ पर उठकर ये भी बात आती है कि राज कॉमिक्स से पॉपुलर हुए बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, जैसे कि नागराज, डोगा और भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मूवीज आ सकती थी और वो कुछ तरह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जैसा ही एक यूनिवर्स इंडिया में क्रिएट कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों पर वो मूवीज कभी आई ही नहीं। और इतना पॉपुलर कॉमिक्स होने के बावजूद, जिसे मैं बचपन में खुद पढ़ा करता था, फिर भी लोग उन्हें आज भूल चुके हैं। वैसे क्या आपने भी कभी ये पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आप नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।